बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम सैयद मोहम्मद उसामा। आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 9 फिज़िक्स। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। द टॉपिक्स आर फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम सबसे पहले हम डायनामिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे कि डायनामिक्स कहते किसे हैं। तो बेसिकली डायनामिक्स एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को देखते हैं, साथ उसके कॉजेज़ को देखते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं डायनामिक्स का। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर वो था काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हमने सिर्फ डिस्कस किया था जस्ट मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ उसके कॉजेस भी डिस्कस करेंगे, हम उसको नाम देते हैं डायनामिक्स का। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि डायनामिक्स किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं। तो हम डायनामिक्स की डेफिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्कसिंग इट्स कॉजेस। डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। Is the branch of physics that deals with study of motion of objects along with इट्स कॉजेज। तो ये हमारे पास डायनामिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक फोर्स की तरफ। अब फोर्स बेसिकली हम कहते हैं कि हमने किसी चीज़ को थ्रो किया, से बॉल को हम थ्रो करते हैं या हम मार्कर से पेन से लिखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो हम या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है उसको तोड़े होते हैं या जोड़े होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम उस चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। या फॉर एग्जांपल हम उस चीज़ की जो शक्ल है उसको चेंज कर रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, तो हम उस क्वांटिटी को फोर्स का नाम देते हैं। तो हम फोर्स की ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी है एक बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होती है तो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं या स्टॉप करने पर मजबूर कर सकते हैं, या हम उसको चला सकते हैं या उसको चलाने पर मजबूर कर सकते हैं, या हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, अ फोर्स स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, मूव्स और टेंड्स टू मूव एंड इट आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन के अंदर ये लिख सकते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन ये होगी, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। यहाँ पे हम फोर्स की डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। Tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of body. It can also change the direction of motion of a body. तो ये हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया, कि इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, या हम इनर्शिया के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया एक बॉडी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करते हैं।
हम क्या करते हैं, एक ग्लास रखते हैं और एक ग्लास के ऊपर हम कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह का पार्ट रख दें, कार्ड रख दिया और उसके ऊपर हमने कॉइन रख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम कार्ड के ऊपर कॉइन रख रहे हैं और कार्ड के नीचे ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम कार्ड को फ्लिक करें, जब उसको आगे की तरफ फेंके, जो जो कॉइन होगा वो कार्ड के साथ मूव करने की बजाय ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली उस कॉइन ने अपनी जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही थी, जो उसके अंदर चेंज अप्लाई हो रहा था, उसको उसने रोका है कि मैं जिस डायरेक्शन में हूँ मैं उसी डायरेक्शन में ही रहूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं उसका एक सम पॉइंट था, हम इसको इस तरह ड्रा करके देख लेते हैं कि ग्लास के ऊपर आपका एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, ये एक कार्डबोर्ड था, ये आपके पास एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है ग्लास के ऊपर और उसके ऊपर आपका एक कॉइन पड़ा हुआ है। जब हम इसको फ्लिक करते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं कार्ड को, तो जो कॉइन है ये कार्ड के साथ मूव करने की बजाय नीचे की तरफ गिरता है, इस वजह से कि ये अपनी पोजीशन के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको रिजिस्ट करता है। जो भी इसके अंदर चेंज आ रहा होगा उसको ये रिजिस्ट करेगा, और रिजिस्ट इस वजह से करेगा क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया होगा। तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो क्या करती है, बॉडी को उसके चेंज को रोकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वाइन था, एक बॉडी है, उसको अगर हम किसी भी चेंज में लेके आए तो इनर्शिया क्या करेगा, उस चेंज से क्वाइन को रोकेगा, ताकि जो क्वाइन है वो अपनी असल हालत में रहे, ना कि दूसरी हालत में शिफ्ट हो जाए। तो हम उसको नाम देते हैं जी इनर्शिया का। तो अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमने इसको डिस्कस किया, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी। तो इनर्शिया की डेफिनेशन हम यूं करेंगे, इनर्शिया इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, रोकती है एनी चेंज, किसी भी चेंज को, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो ये हम इनर्शिया का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट था, मूव कर रहा था, अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो चाहेगा कि मैं अपनी असल हालत में रहूं, मैं भागता ही रहूं, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं इनर्शिया का। एज इट इज, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, तो अगर हम उसको कहें कि तुम मूव करो या उसको मजबूर करवाएं, तो वो बॉडी क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आप को चाहेगा कि वो अपनी असली हालत में रहे, जो जो कि उसकी रेस्ट वाली हालत थी। तो वो अपने आप को मूवमेंट की बजाय रेस्ट पे रखेगा, तो हम उसको इनर्शिया का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इनर्शिया आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मोमेंटम का। मोमेंटम की डेफिनेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। अब हम मोमेंटम की प्रॉपर्टी को क्यों डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक बुलेट और एक ट्रक का इफेक्ट। अब देखें, बुलेट जो होती है उसका साइज कम, मास कम होता है, इनर्शिया भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होता है, जो उसका असर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। एज इट इज़ ट्रक की एग्जाम्पल लें, ट्रक का मैस ज़्यादा है और अब उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि एक बुलेट थी उसका मैस कम था लेकिन उसका भी इम्पैक्ट ज़्यादा है, ट्रक है उसका भी मैस आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। पिछले केस के अंदर मैस कम था लेकिन इस केस के अंदर मैस ज़्यादा हो गया है, तो लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट हैं या इनके जो इम्पैक्ट हैं वो स्ट्रांग आ रहे हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे हम मोमेंटम का नाम देते हैं। तो मोमेंटम बेसिकली आपकी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, उसे हम मास एंड वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हम ये कहते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी के अंदर उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से आती है।
ठीक है, तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possesses due to its mass and velocity. ठीक है, ये mass and velocity की वजह से property आती है, हम उसको नाम देते हैं जी momentum का. अब हम इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है या मैथमेटिकल जो उसका बैकग्राउंड है हम उसको डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा. ठीक है, मोमेंटम को हम उसके यूनिट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मोमेंटम को हमने देखा कि मोमेंटम इक्वल आता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करें अगर मैस को वेलोसिटी के साथ तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है. अब मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है रो, इसको रो के साथ रिप्रेजेंट, इसको पढ़ते हैं आर एच ओ रो. ठीक है, ये पी टाइप होता है लेकिन हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास मोमेंटम का सिंबल है. उसके बाद आपके पास, और जब हम इसको टाइपिंग के अंदर लिखते हैं तो हम इसको पी लिखते हैं और साथ उसका जो करेक्टर होता है वो हम इटैलिक कर देते हैं. तो आपको ये थोड़ा सा बुक के अंदर देखें इस तरह बेंड सा नजर आएगा तो हम उसको मोमेंटम का नाम देते हैं. तो मैस को आप स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वी को आप वेलोसिटी को वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. अब हम इसके एस यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि मोमेंटम के एस यूनिट्स क्या होंगे. चूंकि मैस का आपके पास यूनिट होता है के जी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड.